एक तो ये मेरा दोस्त को आप जानते हो गे, ये भी जा रहा है हमारे साथ, जा रहा हमारे साथ फरदीन खान भाई, एक्साइटमेंट है पूरी पूरी, कि हम हाई अल्टीट्यूड पे आए हैं, मतलब भाई लद्दाख है भाई, तो सांस की प्रॉब्लम तो होनी होगी भाई। यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है अभी, तो फेस्टिवल की तैयारी हो रही है, कल चलते चलते आओगे तो आपको एक बड़ी सी मस्जिद दिखेगी, इस मस्जिद का नाम है जामिया। सो हे गाइस, दिस इज फरदीन एंड यू आर वॉचिंग आर्टिस्ट ट्रैवल। तो गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और ये जर्नी हमारी कहने की जरूरत नहीं, टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। हम जा रहे हैं सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन, काफी सारे हिंदुस्तानियों की ड्रीम डेस्टिनेशन, लद्दाख। वही लद्दाख में मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरे दो दोस्त जा रहे हैं। एक तो ये हमारे सुमित भाई, जो कि पहली बार आपको व्लॉग पे दिख रहे होंगे। सुमित भाई का भी चैनल है अपना यूट्यूब का, भाई चैनल का नाम बता दो। मेरा चैनल का नाम है हैरी लाइफ ब्लॉग, तो आप जाके सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं भाई। बिल्कुल भाई का सब्सक्राइब लाइक करो। और एक हमारे साथ, हमारी जो सीरीज है ना, नेक्स्ट लेवल सीरीज आने वाली है लद्दाख की, तो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना ये सीरीज। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो भाई हम तो वैसे तीनों ही व्लॉगर है, एक तो ये मेरा दोस्त को आप जानते होंगे, ये भी जा रहा है हमारे साथ, जा रहा हमारे साथ, मतलब हम भी जा रहे हैं सब साथ में। क्या लग रहा है लद्दाख जाने के लिए भाई? फरदीन नहा के एकदम झट से कि लद्दाख चलने के लिए, अब पता नहीं आगे क्या होता है, ये देखिए आपको इसके कारनामे आगे पता लगेंगे ऑफ कैमरा। तो जी, लद्दाख का तो हमने बहुत पहले से सोच रखा था, बट आज जाके ये समझो आप सपना हमारा सच होने वाला है लद्दाख का, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, सांस आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी अब से चार दिन आप मेरे साथ रहोगे, व्लॉग देखोगे तो आपको सब समझ आता रहेगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप चार दिन में लद्दाख कवर कर सकते हो, सारी चीज़ें घुमाऊंगा लद्दाख में, तो बड़ा एडवेंचर व्लॉग होने वाला है। अभी फिलहाल मैं हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, और हमने बोर्डिंग पास जनरेट करा लिया है, सामने हमारा बोर्डिंग गेट है, चलो अंदर चलते हैं। फरदीन खान, थैंक यू। ये हमारा एयर इंडिया का प्लेन, और हम उड़ने वाले हैं अब लद्दाख। दिल्ली के लद्दाख में कब से आ गए भाई? मैंने खोली है, मेरी ओपन है, फ्रेंचाइजी लेकर आया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हेलो, जो अपनी सीट है पीछे बीच में, देखते हैं कहाँ पे। अभी फिलहाल बज रहे 4:10 सुबह के, हमारी फ्लाइट है 5 की, तो 50 अभी हम यहीं सीट पे बैठ के अपने टाइम लगा रहे हैं। 50 बाद फ्लाइट, भाई क्या होने वाली है पता नहीं, क्या होगी पता नहीं भाई, क्या ट्रिप होगी, एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि भाई पहली बार लद्दाख है हम तीनों का, भाई एक्साइटमेंट है पूरी पूरी, बहुत एक्साइटमेंट है आपको फ्री में मील जरूर देते हैं, ये कोई रोल है पता नहीं, पनीर रोल है और पनीर रोल है, तो ये अच्छी बात है। थैंक यू सर। फाइनली हम पहुंच गए हैं लेह लद्दाख, और 1:35 की फ़्लाइट थी, हमें एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयरपोर्ट पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आप वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने भी नहीं बनाई, अभी बाहर आए हैं। वो यहाँ से अब टैक्सी करते हैं हम डायरेक्ट लेह सिटी की, यहाँ से लेह सिटी अराउंड 8 के आसपास है, तो ले सिटी की टैक्सी करते हैं, अब देखते हैं जो भी शेयरिंग में बनता है इसका। बाकी आज ले सिटी जाएंगे, वहाँ पे आपको वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे। अब फील हो रहा है कि हम हाई अल्टीट्यूड पे आए हैं, मतलब भाई लद्दाख है भाई, तो सांस की प्रॉब्लम तो होनी होनी है, तो चलो कोई नहीं, धूप को मारते हैं गोली और चलते हैं, देखते हैं ले लद्दाख की बोली। तो जी अभी वेट चल रहा है, हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, खड़ी बड़ी देर से खड़े हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं, यहाँ से 4 पहले 4 किलोमीटर, तो देखते हैं यार टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी मिल रहा है तो आपको बताते हैं क्या चार्ज है और कैसे हम पहुँचते ले सिटी। तो जी कुछ इस तरह का इंटीरियर है, देख लो लद्दाख का, काफ़ी भाई अलग वाइब है लद्दाख की, मतलब स्पीति गए थे हम, मतलब स्पीति से भाई काफ़ी हटके वाइब है यहाँ की, और मतलब भाई बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ का, जो हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो भाई, यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है अभी,
तो फेस्टिवल की तैयारी हो रही है, कल कोई है इनका कोई अच्छा सा फेस्टिवल तो वो भी देखेंगे भाई, वो भी अटेंड करेंगे। बाकी तो चलते भाई अभी होटल वोटल देखते हैं, वहाँ रुकते फिर डिसाइड करते हैं हमें जाना कहाँ है। ये है कुछ लद्दाख का मॉल रोड भाई जी, सबसे ज़्यादा कहूँगा मैंने आज तक जो भी मॉल रोड देखे ना उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का मॉल रोड है। मतलब भाई आप देखो ना व्यू देखो भाई, क्या लग रहा है, लग रहा है भाई मैं यूरोप वर्प साइड की कोई पार्ट में आ गया यूरोप में, ये लग नहीं रहा भाई इंडिया सच में। भाई पीछे देखो भाई व्यू देखो यहाँ पे, मतलब भाई बहुत ही खूबसूरत है ये जो, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल सब बंद है तो देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या है। तो जी लास्ट में आप मॉल रोड पर ऐसे चलते चलते आओगे तो आपको एक बड़ी सी मस्जिद दिखेगी, इस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, सामने आप देखो तो जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, और ये काफ़ी फेमस मतलब मस्जिद है, आप सुन सकते हो शायद अजान ही हो रही है, और यहाँ पे एंड हो जाता है मॉल रोड, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लंबा सा है। बाकी भाई यहाँ का ना मैंने देख रहा हूँ तो यहाँ का ना बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू किसी भी आप अलग उससे ले लो। मतलब यहाँ पे तिब्बत के लोग ज़्यादा हैं तो तिब्बत का कल्चर यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। ये देखो यहाँ कुछ खाना वाना बन रहा है, पता नहीं क्या है, टेंट वेंट्स लगे हैं, मतलब यार अलग ही वाइब है। तुम ना शांति से बैठ के ना, अगर मैं तुम्हें अब कुछ बोलूँगा नहीं तो सुनो महसूस करो, देखो मतलब भाई फील है भाई जगह में सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा फील है मुझे भाई, सच बताऊँ लद्दाख भाई बहुत प्यारी जगह लग रही है। अभी तो भाई पहले ही दिन है और लद्दाख ने अपना दीवाना बना दिया भाई हमें, अब आगे आगे देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तो ये है कि यहाँ कुछ टेंट वगैरह से लगे हैं, यहाँ शायद खाने वाने का सिस्टम हो रहा है कुछ तो वो भी देखेंगे जो होता है। तो गाइस ले के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, आपने जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि मैं कैसे दिल्ली से ले आया और ले का थोड़ा सा लोकल साइट सीइंग भी आपको करा दिया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ पे जा रहे ऊपर? अभी हम जाएंगे भाई खरदुंगला पास, अभी हम तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खरदुंगला पास जा रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टेक केयर।